केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, स्वागत आप सभी का केलांचल टाइम्स पर। मैं हूं आपके साथ मानसी त्यागी। रुक करते हैं झारखंड के जिला पाकुड़ की खास खबरों की ओर। नगर थाना क्षेत्र में पिछले दिनों हथियार के साथ गिरफ्तार चार अपराधियों से पुलिस रिमांड से लेकर पूछताछ कर रही है। सूत्रों की माने तो पुलिस अपराधियों को कोर्ट से 5 दिनों का रिमांड मांग रही थी, परंतु कोर्ट ने अपराधियों से पूछताछ के लिए पुलिस को 24 घंटे का समय दिया है। रिमांड अवधि पूरी होने पर पुनः अपराधियों को जेल भेज दिया जाएगा। सूत्रों की माने तो कोयला और पत्थर माफियाओं से रंगदारी मांगने के मामले को लेकर पुलिस अपराधियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। पूछताछ के क्रम में कोयला और पत्थर कारोबारियों से रंगदारी मांगने के मामले में पुलिस को कई अहम जानकारी हाथ लगी है। गिरफ्तार अपराधियों के मोबाइल से भी कई अहम सुराग पुलिस के हाथ लगे हैं। तो भाई पुलिस अपराधियों तक पहुंचने के लिए टेक्निकल सेल का मदद ले रही है। हालांकि इस मामले में पुलिस मीडिया को कुछ बताने से परहेज कर रही है। सूत्र बताते हैं कि इस मामले में संलिप्त कुछ और भी अपराधियों की पुलिस जल्द से जल्द गिरफ्तारी करेगी। पुलिस फरार अपराधियों तक पहुंचने के लिए अपनी जाल बिछा रही है। आपको बता दें कि नगर थाना क्षेत्र के तलवा डांगा नदी पाड़ा बस्ती में पुलिस टीम ने गुरुवार को छापेमार कर एक देसी बंदूक और 9 जिंदा कारतूस के साथ 4 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने नगर थाना क्षेत्र के तलवा डांगा नंदी पाड़ा निवासी देवराज सरकार उर्फ निम्बा उर्फ निमाई, मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कुमारपुर निवासी विमान राजवंशी उर्फ बिट्टू राजवंशी, लिट्टीपाड़ा थाना क्षेत्र के तालझारी निवासी का कन्हैया कुमार साह और गौरीशंकर साह उर्फ गौरव को गिरफ्तार किया है। सत्य सनातन संस्था के सक्रिय सदस्य और शहरकोल निवासी राहुल चौरसिया ने रविवार को रक्तदान कर एक वृद्ध की जान बचाई है। संस्था के अध्यक्ष रंजीत कुमार चौबे ने कहा कि संस्था के सक्रिय सदस्य और शहरकोल निवासी राहुल कुमार चौरसिया छोटी अलीगंज निवासी 67 वर्षीय वृद्ध बलराम यादव को रक्तदान कर जान बचाई है। उन्होंने कहा कि मरीज को किडनी की बीमारी है, उसकी रात में काफी ज्यादा तबीयत खराब हो गई। परिजन ने आनंद फानन में मरीज को सोनाजोड़ी सदर अस्पताल में भर्ती किया, तो जहां चिकित्सकों ने रक्त चढ़ाने की सलाह दी है। परिजन ने रक्त के लिए संस्था से संपर्क किया। संस्था ने रक्त के लिए राहुल चौरसिया से संपर्क किया। राहुल ने रक्त की महत्व समझाते हुए पुराना अस्पताल स्थित अधिकोष में पहुंचकर अपना रक्तदान किया। रक्त मिलने के बाद मरीज के पुत्र विश्वजीत यादव ने रक्तदाता और संस्था को धन्यवाद दिया। मौके पर रंजीत यादव, कर्मचारी नवीन कुमार, पीयूष कुमार सहित अन्य मौजूद थे। आत्मा के द्वारा रविवार की देर शाम सभी प्रखंड से किसानों का चयन कर कुल 50 किसानों को बस से बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची में आयोजित एग्रोटेक किसान मेला 2024 में परीक्षण परिभ्रमण हेतु भेजा गया है। किसानों और कृषि उद्यमियों को उन्नत कृषि, पशुपालन, लानी की कृषि आधारित लघु और कुटीर उद्योगों से संबंधित उपयुक्त तकनीकों की नवीनतम जानकारी देने के उद्देश्य से बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची के द्वारा एग्रोटेक किसान मेला का आयोजन विश्वविद्यालय के प्रांगण में किया गया, जिसमें सभी किसानों को कृषि से नवीनतम तकनीक से संबंधित जानकारी प्राप्त की। टीम लीडर के रूप में अभिजीत कुमार शील, सहायक तकनीकी प्रबंधक आदि किसान मौजूद हैं। हिरणपुर प्रखंड के तोड़ाई पंचायत अंतर्गत विपतपुर में 2 दिन पूर्व 100 केवीए का ट्रांसफार्मर खराब हो गया था। ग्रामीणों ने इसकी सूचना विभाग को दी। उसी के साथ ही सूबे के मंत्री आलमगीर आलम को हिरणपुर प्रखंड कांग्रेस अध्यक्ष मनोवर आलम ने फोन पर दिया। उसके तुरंत बाद ही मंत्री ने विभाग को नया ट्रांसफार्मर लगाने के आदेश जारी कर दिए। साथ ही 100 के बजाय गांव में 200 केवीए का ट्रांसफार्मर लगाने का आदेश दिया है। गांव में ट्रांसफार्मर लग जाने से ग्रामीणों में खुशी का लहर है। तुम्हारे ग्रामीणों ने मंत्री आलमगीर आलम का धन्यवाद भी दिया। नगर परिषद के द्वारा स्थापित पार्किंग स्टैंड का रविवार को शुभारंभ किया गया। प्रशिक्षु डीएसपी एसएथ है नगर थाना प्रभारी अजय आर्यन और नगर परिषद के प्रशंसक कमल मिश्रा ने संयुक्त रूप से नगर थाना के समीप पार्किंग स्टैंड का फीता काटकर उद्घाटन किया। नगर परिषद के प्रशासक ने बताया कि शहर में जाम की समस्या से समाधान हेतु पार्किंग स्टैंड स्थापित किया गया है, जो अनुमंडल कोर्ट परिसर नगर थाना के समीप और 3 बंगला में है, जहां लोग अपने वाहनों को पार्क कर पाएंगे। इससे जाम और चोरी से आमजनों को राहत मिलेगी। मासिक शुल्क 200 रुपए और प्रति 3 घंटा 5 रुपए मात्र प्रति वाहन लिया जाएगा। प्रशिक्षु डीएसपी अजय आर्य ने बताया कि सभी लोगों को मार्केटिंग करने के दरमियान अपने वाहनों को पार्किंग स्थल पर ही लगाएं। इससे आपकी वाहन सुरक्षित होगा और साथ ही सड़क में चलने वालों को भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा।
आए दिन कोर्ट कैंपस में दोपहिया वाहनों के कारण सभी को परेशानी होती थी, अब पार्किंग चालू हो जाने से कोर्ट परिसर सहित शहर के चौक चौराहा पर भीड़भाड़ और जाम जैसी स्थिति कम होगी। मौके पर नगर परिषद के मनीष मिश्रा, संवेदक सहित अन्य मौजूद थे। तमाम ऐसी बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल खेलांचल टाइम्स। खेलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।